आगरमालवा जिले में कोविड टीकाकरण किया जा रहा है, वहीं बड़ी संख्या में हेल्थ केयर वर्कर अपनी बारी आने पर कोविड वैक्सीन का दूसरे डोज का टीका भी लगवा रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के सागरिया ने बुधवार को जिला चिकित्सालय आगरमालवा में कोविड का दूसरा डोज लगवाया है। टीकाकरण के बाद डॉक्टर सागरिया ने कहा कि यह टीका पूर्णतः सुरक्षित है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सभी को टीका अवश्य लगवाना चाहिए। डॉक्टर सागरिया ने कहा कि आज मैंने कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगवा लिया है और टीका लगने के बाद मैं आधा घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रहा। उसके बाद मैंने अपने सारे रूटीन के कार्य किए, इमरजेंसी ड्यूटी भी की, मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। डॉक्टर सागरिया ने कहा कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है, सभी लोग अपनी बारी आने पर कोविड का टीका अवश्य लगवाएं, साथ ही मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जी, मेरा नाम डॉक्टर के सागरिया है, मैं जिला चिकित्सालय आगरा में शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ हूँ। मैंने आज अपना कोरोना का दूसरा वैक्सीन लिया है। वैक्सीन लगने के बाद मैं आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रहा। ऑब्जर्वेशन से फ्री होने के बाद मैंने अपने सारे रूटीन वर्क किए, इमरजेंसी ड्यूटियाँ की, हॉस्पिटल के राउंड किए। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मैं आगर के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि जब भी उनकी बारी आए, वे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपना कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं, साथ ही मास्क पहनते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। यह भी कोरोना के टीका की तरह ही प्रभावी है। थैंक यू। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आगरमालवा से एहतेशाम खान की रिपोर्ट।